की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की जान चली गई। गाजियाबाद के बसुंधरा में बृहस्पतिवार रात अनियंत्रित कार कनावनी पुलिया की रेलिंग तोड़कर हिंडन नहर में गिर गई। उसमें सवार 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों युवक एक शादी समारोह में शामिल होने इंद्रापुरम आए थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक बुधवार रात करीब 1 बजे राहगीर ने हादसे की सूचना दी। मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। उसमें 3 युवक सवार थे। तीनों को उपचार के लिए पास के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी पहचान दीपक विहार खोड़ा के 20 वर्षीय सोनू व 18 वर्षीय देव गुप्ता और पीएसी कैंप के पास अलीगढ़ के 22 वर्षीय ललित के रूप में हुई है। ललित सोनू का रिश्ता था। तीनों एक दोस्त की बहन की शादी में शामिल होने आए थे। पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि मृतकों के स्वजन को हादसे की सूचना दे दी गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शादी कनावनी के रॉयल एम्बिशंस बैंक्वेट हॉल में थी। यह बैंक्वेट हॉल घटना स्थल से चंद कदम की दूरी पर है। पुलिस जब कार को नहर से बाहर निकाल रही थी तो शादी में शामिल तमाम लोग मौके पर आ गए थे। उन लोगों ने ही युवकों को देखकर शिनाख्त की। वहीं हादसे के बाद से जान गंवाने वालों के घरों में कोहराम मचा हुआ है।